भाई लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बकरी ने भी बच्चे दे दिए और इसके दो बच्चे हैं, ये पहली वाली के हैं और ये दूसरी वाली के हैं। अल्लाह का शुक्र है। रात के बजे हैं 12:30 और 12:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह इसने जेर वेर गिरा दी है और सब कुछ कंप्लीट फारिग हो गया है। इसको काढ़ा भी पिला दिया है हम लोग, बस इसकी सफाई करनी रहती है। बच्चों को दूध वगैरह पिला दिए और बहुत ज़्यादा थक गया भाई, क्योंकि ये आज शेड भी डाल दिया मैंने पूरा ओपन रखा है। इसको इसलिए डाला है क्योंकि ये नई बकरी भी आई है और दूसरी भी बकरी एक बच्चे दी है, तो जिस करके इनको सर्दी ना लगे और ये बच्चे हमने इस तरफ कर दिए। अब हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जाल कल में ही लाना पड़ेगा जिसमें हम लोग हमारे बच्चों को रख सके, या फिर इन छोटे बच्चों का कहीं और अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे सेफली रह सके। बहुत खूबसूरत है, तीनों की तीनों फीमेल है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजरे बस से बचाए। बाकी का ब्लॉग मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं कल कंटिन्यू करूंगा। और आज आप देख रहे होंगे कि कितनी लेट हमारे बकरे माशाल्लाह खा रहे हैं। उसका रीजन है कि हम लोग आज बकरियों में लगे हुए थे, लेकिन माशाल्लाह से बकरे भी हमारे फुल ऑन स्पीड से चक्कर खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमने हमारे शरारती बच्चे को, जिसकी वजह से पूरा फार्म डिस्टर्ब हो रहा था हमारा, ये रात का व्यू है फार्म का माशाल्लाह। अभी खाना वाना भी नहीं खाए, वो लोग खाना वाना खाने गए हैं और मैं अभी जस्ट फार्म पर ही हूँ। उस तरफ वो लोग खाना खा रहे हैं ऑफिस की साइड बैठ के, और मैं अभी बस बकरियों का से फारिग हुआ हूँ। और ये हमारे फार्म का सबसे शैतान बच्चा माशाल्लाह, थोड़ा सा शांत लग तो रहा नहीं है, हाँ थोड़ा सा शांत हुआ है। और गुड न्यूज ये है दोस्तों कि हमारे कुछ बकरे बाय ट्रेन आ रहे हैं फार्म पर, जिसमें की है सानेन। यस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक्सोटिक में बहुत बड़े लेवल का सानेन अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पर आने वाला है, कल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा एक कोटे का बच्चा हम लोगों ने परचेस किया है कोटा जंगल से, अल्लाह ताला उसको पलवा दे। क्वालिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि बहुत हैवी लाइन की चीज है, बस अपने उन्हें कोशिश करी है लेने की, खरीदने की और उसको तैयार करने की। बाकी आगे की जो भी चीजें होगी वो सब आपको इन वीडियोस में बताता रहेंगे, बट अभी के लिए ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और सुबह वापस से इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी की पोजीशन ये दोस्तों कि अभी बचती है हमारी 7 बकरियां जो कि अभी डिलीवरी करने वाली है, हालांकि बच्चे देने वाली है, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अभी तक सभी सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है, अल्लाह बस इनको पलवा दे अच्छे से। बच्चों की बहुत बहुत मेहनत है भाई। और किसी एक बात सही कही थी किसी एक बड़े फार्मर ने कि एक बकरा और 4 बकरी सेम है, मतलब कि नहीं, एक बकरी 4 बकरे के बराबर है। बहुत लंबा चौड़ा काम है भाई बकरियां पालना, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, हर एक चीज़ आप पे आनी चाहिए, हर एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। तो मौसम ठीक है, अभी सर्दी नहीं है तो इंशाल्लाह ताला दिक्कत नहीं आएगी, बस बकरियों को थोड़ा सा इशू ये है कि थोड़ी खिलाई पिलाई कम है तो जिसकी वजह से कमजोरी है। और इधर एक नया बकरा आया है क्वारंटाइन में, ये इसको बुखार जा नहीं रहा था, अभी अल्लाह का शुक्र ट्रीटमेंट दिया है तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एक दो दिन के बाद बार बार रिपीट फीवर आ रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट चालू है। आज से इसको क्वारंटाइन किए, देखते हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको रिकवरी करा के उस तरफ भेजना है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी मेहनत कबूल हो, ये बकरा ज्यादा लंबी छोड़ी बीमारी में ना है, अभी हल्की फुल्की में ही है, लेकिन फिर भी फार्म से अलग कर दिया है। और ये अल्लाह का शुक्र है, उधर बकरियां अपनी है और अभी काफी बकरियां रहती है जो बच्चे देने वाली है, और हमें बच्चे बहुत संभाल कर रखने पड़ेंगे। तो भाई बहुत लंबी छोड़ी चीजें हैं, बस आप लोगों की बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है साबरी गोट फार्म को, क्योंकि विदाउट स्टाफ हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आदमी हमारे पास फिलहाल नहीं है, मैन पावर की कमी की वजह से थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर हो रही है चीजें, लेकिन इंशाल्लाह ताला अपन पहले से ही अपने लेवल पे काम करते आ रहे हैं तो कर लेंगे, बस आप लोगों की दुआ चाहिए और सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फार्म से निकलते रात के 2 बज गए आज ना, अभी घर चलते हैं और कल व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं जाते हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग कोटा परचेस करने वाले हैं कुछ छोटा बच्चा, तो ये छोटा सा बच्चा हम लोगों ने परचेस किया है कोटा में। चेहरा देखकर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या नाम इसका हम लोग रखें। ये माशाल्लाह माशाल्लाह अभी अदंत है, गुलाबी में है, और सिक्के विक्के का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करे कोटों में भी। ये पहला अदंत बच्चा हमारे को फार्म पर आया है और दूसरा कोटा आया है। एक बाबा था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा तैयार होकर गया था। ये दूसरा बकरा है, बट ये इसी साल का नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है। इसको हम सेट करके फार्म पर रखेंगे और देखेंगे कि हम लोग अदंत बच्चे कैसे तैयार कर सकते हैं।
अभी आप लोग बताइए कि क्या क्वालिटी है इसकी और कैसा बच्चा है। दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे पर्सनली, बाकी आप लोग ज़्यादा जानकार हो जो कोटों के शौकीन है। तो कैसा बकरा है, बहुत अच्छा है या नॉर्मल है जैसा भी है, बट अपने को उसको पालने का है भाई 2 साल इंशाल्लाह, उसके बाद देखेंगे कि ये कैसा तैयार होता है। अभी अदंत है, एग्रेशन इसका चेक करते हैं। अभी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है क्योंकि नया बकरा आया है फार्म पर, लेकिन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुझे पर्सनली पसंद आया। बस मुझे इस पे जो काम करने का है वो है कि इसकी झालर जितनी ज़्यादा अपन लटका सके, और अभी इसका चेहरे पे रुबाब इतना नहीं है क्योंकि बच्चा है। मुझे मेरे भाई ने बताया था कि कोटे 8 दांत के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेम खोलते हैं और पकते हैं 8 दांत पे, तो इंशाल्लाह ताला इसको 8 दांत होने दो, फिर देखते हैं। इसका पैच बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसा लगा कोटा ये भी बताइएगा। और अभी जस्ट फार्म पर एंट्री हुई है, जस्ट फार्म पर आया हूँ, तो देखते हैं हमारे क्वारंटाइन रूम्स में कुछ है क्या। खाली है माशाल्लाह, ये भी खाली है। जो रात बकरा क्वारंटाइन आया था वो रात ही हम लोगों ने वापस से कर दिया था क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था और वो जुगाली कर रहा था, तो हमें लगा कि यार सर्दी ना लग जाए जानवर को, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा इंतजाम नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से हमने उसको उसके ही रूम में कर दिया था। और जस्ट अभी अभी हमारा आगमन हुआ है हमारे ऑफिस में, तो ये उतार दिया जाए। तो आज के बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो सबसे पहले जाते हैं अपने बड़े बकरों के बाड़े में, सारे बकरे चेक करते हैं और अपने बंदों से रिव्यू लेते हैं कि कैसा उनको ये कोटा लगा, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या नहीं। और इसकी सेलिंग के लिए भाई ऐसा है कि अभी कोई प्लान है नहीं सेल का, देखते हैं जैसा भी रहेगा। अगर कोई हमारे कस्टमर इसको लेकर हमारे पास कंटिन्यू प्लाई पर रखाना चाहेंगे तो इंशाल्लाह सोचेंगे और कर भी देंगे बिस्मिल्लाह, बट इस साल के लिए ये कोटा नहीं है। जो भी भाई परचेसिंग के लिए भी सोचे तो वो पहले ही मैं बता दूं कि ये कोटा हमारा इस साल का नहीं है, इस साल ये बहुत मुश्किल से रेडी होगा। मेरे पास तो शायद ना हो, बाकी आप लोग एक्सपर्ट हो, मेरे यहाँ तो शायद ना हो। तो अभी चलते हैं और अपने सारे बकरे देखते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर आपको भी उसका रिव्यू देते हैं। इब्राहिम कैसा बकरा है, मजा आ गया। और ये हमारी नन्नी नन्नी 3, इनको क्यों हटा दिया? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये बच्ची तो यार अल्लाह इसको नजर बचा है। व्हाइट आइज है ना, ओहो वाओ वाओ, माशाल्लाह 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 भाई लोग प्लीज माशाल्लाह। अच्छा चराई भी शुरू कर दी है। इनकी मामा कहाँ है, इनकी मामा कहाँ है, चर रही है, इनको छा में रख रहा क्या? और ये हमारे बच्चे माशाल्लाह प्लान आराम कर रहे हैं, और इस तरफ ये बकरी फीडिंग खुशबू आ रहा है। ये मुझे किसी ने इत्र गिफ्ट किया था तो वो मैंने यूज किया है, तो उसकी खुशबू आ रही है अल्लाह का शुक्र है। और फार्म माशाल्लाह बहुत हरा भरा हो रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन। बट इस बच्ची के जवाब में भाई, ये तो पर्सनली बच्ची मुझे बहुत पसंद आई है, देखो ना माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाइट आइज पूरी गुराबी है। आओ बेटा, ये बच्ची देखो ना माशाल्लाह, आ जा। ओए अल्लाह इसको नजर बद से बचाए। ये हम लोगों ने इनका छोटा सा घर बनाया हुआ है, यहाँ हम लोग इनको रखते हैं, और अभी चलते हैं और बस माशाल्लाह। साबान ये उठेगा यहाँ से भी, रेता उठेगा यहाँ से। गुलफाम भाई कोटा बकरा कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। साबान मन खुश हो गया। कोटा हाँ बढ़िया माशाल्लाह है, पालने लायक बच्चा है ना। अदम करे भाई, गौरी है सारे बच्चे क्यों रेस्ट कर रहे भाई हैं? इनको डाल। अरे ये किसके बच्चे रेस्ट कर, ये चल रहा है तो मेरे बकरे क्वारंटाइन में, धूप में बांधे सर।
मतलब बाहर छोड़ दे, कहीं पे बैठ जाएगा, छावे जाना चाहेगा छावे चला जाएगा, थोड़ा फ्री है। कहाँ पे, कहाँ से तेरे आ गया था? साहबान ये भी बकरी धूप में छोड़ दे, ऐसे चुप नहीं हुई ना रात से। एक सेकंड, कोई मेहमान आया, मैं जरा इनसे निपटो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसे ये लोग अभी आए थे तो बड़ी खुशी हुई। ये लोग सिर्फ ये पूछने आए थे कि भाई हमारी बकरी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और वो प्रेग्नेंट है और उसको क्या डाइट दे, और ये मेरे लोकल के लोग थे। बहुत टाइम के बाद जाके लोगों ने नोटिस करना शुरू किया है। बाहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन डे वन से नोटिस कर रहे हैं, लेकिन लोकल के जो मेरे गाँव के लोग हैं, इधर उधर के जो एक दो जानवर पालते हैं, उन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं दी चीज़ों को। लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है और लोग अल्लाह का शुक्र है वीडियोस देख रहे हैं, हमारा काम देख रहे हैं, और अप्रिसिएशन के लिए इतना बहुत है कि लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई जैसे भी आया अंदर भी नहीं आया भैया नमस्ते, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी एज का लड़का है और गैर मुस्लिम था, तो भैया नमस्ते, मैंने नमस्ते भाई, भाई वो बकरी प्रेग्नेंट है और क्या क्या डाइट दे और ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, क्या कर सकते हैं। बहुत पर्सनली कॉल्स जो आती है तो नॉर्मल हो गई है, मगर ऐसे गांव के लोग नहीं आते थे, बट जैसे ये आने लग गए, क्योंकि इससे पहले भी दो चार आए थे कि भाई हम बकरा लाए हैं, क्या खिलाए, ये खिलाए वो खिलाए, तो यानी कि लोग अल्लाह का शुक्र है लोग जान रहे हैं। और इसे देखो ना, तो अभी मैं लेने आया था मुर्गी का अंडा, तो अभी देखते हैं क्या है मुर्गियों के पास। ये देखो माशाल्लाह एक अंडा और दे दिया और दो बच्चे इन्होंने साइड कर दिए। इधर ये भी माशाल्लाह तैयारी पे है, उधर हमारा मुर्गी का बच्चा अंडा भी इससे बाहर आने वाला है और उधर वो भी अंडे तैयार हो गए हैं, और ये देखो बिना मतलब बंद हो गया। ये शायद किसी और का कबूतर है, तो अभी मेरे को निकालने का है अंडा। भाई मुर्गी मुर्गी अंडा दे, मुर्गी मुर्गी अंडा दे, बट मुर्गी ने एक ही दो ही अंडे दिए हुए हैं। एक मैं उठा लेता हूँ और पीटेंगे ये मेरे कबूतर। तो ये एक अंडा ले लिया मैंने, अभी समय होता है घर जाकर खाना खाने का, यानी कि पूरे दो बज चुके हैं और सारा का सारा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रेस्ट कर रहा है। दो बच्चे जो थे कल आए थे बिल्कुल हेल्दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी एक दो बकरियों की डिलीवरी का टाइम लग रहा है, अल्लाह उनको भी खैर वाफियत से करा दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 5 बजे हैं शाम के और दो और नए मेहमान आ गए हैं, ये दोनों मेल हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, अभी बहुत छोटे से हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको कल या परसों के ब्लॉग और सब आने में हटाइए, चल कल या परसों के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और अभी हाल ही हाल में साबरी गोट फार्म पर 3 और 2 5 बच्चे छोटे छोटे हो चुके हैं 1 हफ्ते के, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिजल्ट है, अल्लाह का एहसान है। इसको दे भाई 40 ml गुलका बूस्ट, इसलिए भी लाते हैं ताकि जानवर में एनर्जी रहे, और अभी हमारी बकरी बचती है 6, तो बस दुआ करते रहो अल्लाह ताला ऐसे ही फार्म पर रौनक बढ़ाए रखे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे, अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं, अभी हमारी दो बकरियां और रह रही है आज ही के तारीख में, अगर आज तारीख सही रही इनकी तो इंशाल्लाह ताला इनकी भी डिलीवरी है, और ये सिरोही बकरी को भी ट्रांसपोर्ट लगाने का है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी बकरियां कंफ्यूज है कि उनके बच्चे कौन से हैं, अभी जो बकरियां बच्चे देने वाली है उसमें से एक वो पीछे खड़ी है माशाल्लाह, ये जो जाएगी आज ना इसको तो रात को ट्रांसपोर्ट लगवाने की है, एक ये वाइट मुंडी बच्चे देने वाली है और एक अपनी वो पंजाबी बकरी है वो बच्चे देने वाली है, और इसी महीने हमारी जो एक बकरी है हमारे फार्म की घर की बकरी है मीनी, ये बैठी है बच्चे देने वाली है, और एक वो गुजरी बकरी बैठी है वो बच्चे देने वाली, तो 1 2 3 4 5 बकरियां अभी ऑलमोस्ट रहती है जो कि डिलीवरी देने वाली है। हाँ 1 2 3 4 5 5 बकरियां हैं, और अभी जो बकरियों ने बच्चे दिए हैं
उनको मिलाकर टोटल अभी फार्म पर छोटे छोटे बच्चे यानी कि 3-4 दिन के बच्चे जो हो गए हैं वो हुए हैं 5 बच्चे। और बहुत बड़ा टास्क है बच्चों को सर्वाइव कराना, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से बकरी आई थी तो थोड़ी सी कमज़ोर है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ खिलाया भी नहीं था तो जिस करके, लेकिन अभी माशाल्लाह इनको हमने डोई मिल्क बूस्टर और अपनी डाइट वाइट देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन अल्लाह का करोड़ों एहसान कि बच्चों के दूध भर मतलब पेट भर दूध मिल रहा है और बकरियाँ हमारी अच्छे से वापस से ग्रो कर रही है। तो ये सारी बकरियों का सेल वेलिंग का मैंने बताया हुआ है भाई, किसी को चाहिए रहेगी तो अपन सेल कर देंगे, किसी को शौक के लिए चाहिए होगी। इसमें से मैंने 2 बकरी सेल करी है, जिसमें से एक जवालापुर गई थी, उसने वहाँ जाती है माशाल्लाह एक मेल बच्चा दिया है, बहुत खूबसूरत बच्चा है वो भी, अल्लाह उसकी उम्र लगाए। और एक बकरी मैंने मेरे दोस्त के यहाँ दी थी, उसके यहाँ पर 3 बच्चे आए हैं माशाल्लाह एक ही बकरी से, और उसमें 2 बकरे हैं और 1 बकरी है। तो अभी ये बकरी हमारे फार्म पर बच्चे दे रही है, मतलब एना टाइम की बकरी हम लोग लेकर आए थे, 2 महीने से ये फार्म पर वहाँ पर पलाई पड़ती, क्योंकि उस टाइम पे कोई मसला हो गया था तो मैंने नहीं मंगाई थी, मगर अभी बहुत सारे बच्चे हो गए और उधर हमारा माशाल्लाह पूरा बड़े बकरों का सेटअप है, तो सब कुछ भली भांति चल रहा है। और कल हमारे फार्म पर एक बहुत बड़ा सानिन आने वाला है, जो कि साबरीकोट फार्म की पूरी हिस्ट्री में ही फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि माशाल्लाह कोई एग्जोटिक वो भी सानिन इतना बड़ा फार्म पर आ रहा है, तो उसके लिए भी बड़ा टास्क है, वो हमने आज तक रखा नहीं है, तो उसको कैसे रखने का है। और ये जो कोटा है इसके लिए एक बात बता दूँ कि ये बकरी के नीचे घुटने टेक के दूध पीता है, और हमारे यहाँ भी बकरियाँ बहुत है, तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाली है इस साल, बस अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचा के रखे हमें और हमारे फार्म को।